अलवर की जलदाय विभाग पर कांग्रेस का भारी प्रदर्शन। जलदाय विभाग के अय्यन को माला पहनाकर जताया रोष। पुलिस ने किया हल्का बल प्रयोग। शहर में बढ़ती जा रही पानी की समस्या को लेकर आज फिर से कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया। अलवर गेट जलदाय विभाग पर जमकर नारेबाजी के साथ ही विभाग के अय्यन पारस चौधरी को माला पहनाकर रोष जाहिर किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई, जिसके कारण पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। देखिए, जिला प्रशासन और जलदाय महकमे के अधिकारी कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं। इनकी संवेदनशीलता बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। जनता पानी और बिजली से त्राही त्राही कर रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह चला रखा है, इनको नींद से जगाने का काम कर रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी इनकी हट धर्मिता इतनी है, ये इतने बेशर्म हो चुके हैं सारे अधिकारी कि इनके कान पे कोई जू रेंग नहीं रही है। जनता को ये किसी प्रकार की राहत देना नहीं चाहते। पानी की सप्लाई जो है वो नियमित है नहीं, प्रेशर से पानी आता नहीं, और बिल्कुल जो है 96 घंटे के अंतराल से क्षेत्रों के अंदर पेयजल की सप्लाई इनके द्वारा की जा रही है, मगर ये इसी बात के ऊपर तोता रटंत्र लगाए हुए हैं कि हम तो 48 घंटे से जो है क्षेत्र में पेयजल की सप्लाई कर रहे हैं। ऐसा सफ़ेद झूठ के जिसकी कल्पना लोग कर नहीं सकते थे, और इनकी नींद उड़ाने का काम कांग्रेस का कार्यकर्ता अनवरत जारी रखेगा। और अगर अभी भी इन प्रशासन की और जलदाय विभाग के अधिकारियों की आंख नहीं खुलती है, इनकी नींद नहीं टूटती है, इनको इनके घरों में और इनके कार्यालयों के अंदर नजरबंद करने का काम कांग्रेस करेगी। नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़े अनुशासित कार्यकर्ता हैं। किसी ने कोई बदतमीजी पुलिस कार्यकर्ता अधिकारी के साथ कर्मचारी के साथ में नहीं करी है। ये पुलिस के जो अधिकारी यहाँ पे आकर के, कांग्रेस का कार्यकर्ता शांतिपूर्वक आया, उसके पास में न डंडा था, न उसके पास में कोई हथियार था, उसके पास में सिर्फ अपने दो हाथ थे और मुँह से बात करने के लिए अधिकारी से यहाँ पर आए। इन्होंने चल करके दरवाजे बंद करे, क्या जरूरत थी दरवाजा बंद करने की? और उस समय भी हमारे जो यूथ कांग्रेस के और दूसरे जो पदाधिकारी हैं वो उनको आराम से कह रहे हैं कि हम यहाँ सिर्फ बात करने के लिए आए, तो क्या आवश्यकता थी दरवाजा बंद करने की? ये शुरुआत पुलिस के कर्मचारियों ने की है, और उसी धक्का मुक्की के अंदर ये सारी बात है जो आपने देखा। वो भी शांत है, कांग्रेस भी शांत है, तो इसलिए आपका ये कथन मैं सिरे से खारिज करता हूँ कि कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता ने किसी पुलिसकर्मी के साथ में बदतमीजी की। कांग्रेस का रुख मैंने स्पष्ट किया है कि इस मामले के अंदर अगर जलदाय विभाग के अधिकारियों की नींद नहीं टूटती है तो कांग्रेस अपने आंदोलन को और उग्र रूप देगी। मैंने तो कहा ना कि है ही मैटर ही खत्म हो गया था, अब क्या बचा?